ये वीडियो है गीता ऑटोनोमस कॉलेज से और मैं अभी आपको फर्स्ट ईयर का पूरा कैंपस दिखाने वाली हूँ। ये है फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल और ये है पूरा गर्ल्स हॉस्टल और ये है फर्स्ट ईयर का हॉस्टल। और फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में आपको एक बेड मिलता है, स्टडी टेबल मिलता है और चेयर मिलता है और आपका सामान रखने के लिए यहाँ पे कवर भी मिलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज और कॉलेज का फीस, हॉस्टल फीस, प्लेसमेंट के बारे में, सब के बारे में। तो मैं अभी आपको पूरा कैंपस दिखाने जा रही हूँ जी। तो अगर किसी को कुछ जानना है कौन क्या हॉस्टल का मेन्यू क्या है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगी। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है इसीलिए मौसम बहुत अच्छा है और हम जा रहे हैं नीचे। तो ये भी बॉयज हॉस्टल है और ये है गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट ईयर का। ये है फर्स्ट ईयर का पूरा कैंपस। पहले हम लोगों का जो गर्ल्स लोगों का जो मेस था वो इसी हॉस्टल के नीचे था, लेकिन अभी यहाँ पे नया हॉस्टल बनने वाला है तो इसीलिए ये जो मेस है ये हमारा मेस होगा। वहाँ पे नया हॉस्टल बनेगा, देख सकते हैं आप बालू भी डाला हुआ है यहाँ पे। और ये पूरा कैंपस है गर्ल्स हॉस्टल का और ये है हमारा हॉस्टल, मतलब फर्स्ट ईयर का हॉस्टल और ये है थर्ड ईयर का हॉस्टल। ये भी फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है लेकिन वो ये जो हॉस्टल ये फोर सीटर है और ये जो हॉस्टल ये टू सीटर है। और ये है हॉस्टल नंबर 8, यहाँ पे थर्ड ईयर दीदी सब रहती है। और ये है सेकंड ईयर का हॉस्टल और ये है गर्ल्स हॉस्टल का पूरा कैंपस। तो इससे बाहर तो अभी हम जा नहीं सकते, काहे कि सुबह के 6 बज रहा है और हमको बाहर जाना अलाउ नहीं है अभी। ये इसमें MCA, MBA, सेकेंड ईयर सब रहता है। और ये बैठने का एरिया है, फाउंटेन है, बैठने का एरिया है और वो है साउथ ब्लॉक सिविल और मैकेनिकल का बिल्डिंग है लेकिन वहाँ पे फर्स्ट ईयर का क्लास चलता है और वहाँ पे AC भी है। तो हम लोगों को मतलब फर्स्ट ईयर को क्लास करने में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप कल अगर कॉलेज हॉस्टल का फीस के बारे में जानना चाहें तो हम लोगों के टाइम में हॉस्टल फीस 65,000 था, अभी पता नहीं क्या हुआ है। अगर किसी को पूरा जानना है हॉस्टल की फीस के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी उनको। और यहाँ पे ऑटोनोमस कॉलेज है तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, सब टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और ऐसा नहीं है कि तुमको डाउट है किसी सब्जेक्ट में तो तुम नहीं पूछ सकते, तुम पूछ सकती हो। तो ये तो है पूरा गर्ल्स।